शिवपुरी अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल पर, मरीज हो रहे परेशान। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से जिला चिकित्सालय के बिगड़े हालात। शिवपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकाल के लिए काम बंद हड़ताल पर चले गए, जहां डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से जिला चिकित्सालय में मरीज परेशान बने हुए हैं। स्थिति यह है कि ना तो मरीजों को इलाज मिल रहा है, ना ही कोई डॉक्टर। आकस्मिक व्यवस्था को लेकर CMHO द्वारा जिला चिकित्सालय में आयुर्वेदिक डॉक्टर अवश्य बिठा दिए गए हैं, मगर आयुर्वेदिक डॉक्टर भी फर्स्ट एड के अलावा कुछ करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। जहां गंभीर अवस्था में अस्पताल में आए मरीजों को कोटा सवाई माधोपुर के लिए रेफर कर रहे हैं, वही स्टाफ नर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के हवाले बना हुआ है। जिला अस्पताल पंजीयन को लेकर काउंटर पर मरीजों की भारी भीड़ लगी है। अस्पताल के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल कर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। अब देखना ये होगा कि जिला अस्पताल प्रबंधन डॉक्टरों के अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले जाने के बाद जिला चिकित्सालय में आने वाले गंभीर मरीजों के इलाज के लिए क्या कुछ व्यवस्था करता है, या फिर डॉक्टरों के हड़ताल के चलते मरीजों को इलाज के लिए कोटा जयपुर ही जाना पड़ेगा। शिवपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। कराने आया है, क्या स्थिति है, कैसी व्यवस्था दिखाई दे रही है? कुछ भी नहीं सर, एक घंटे से आए हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई डॉक्टर ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अभी आप 11 नंबर की बताते हैं, 11 नंबर में गए हैं तो 11 नंबर में भी कोई डॉक्टर नहीं है। 11 नंबर में भी कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर। यानी स्थिति यह है कि पूरे जिला चिकित्सालय में कोई डॉक्टर आपको देखने वाला नहीं है? कुछ भी नहीं है। क्या क्या परेशानी है आपको, किस परेशानी को? परेशानी है, बच्चा है, उल्टी दस्त और पैर दर्द कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश। सुरेश बरदास है सर। बरदास से। तो यानी जिला चिकित्सालय में आपको कोई डॉक्टर नहीं मिला, आप एक घंटे से परेशान हो रहे हैं? एक घंटे से परेशान हो रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। अगर ज़्यादा परेशानी बिगड़ जाती है तो फिर उसका क्या हिसाब किताब होगा? प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर कहता है कि हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में आने के बाद में ये परेशानी है। मांगीलाल जी, क्या मामला, किस मामले को लेकर? कौन सा, क्या हो गया पैर में? गया। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ बैठे हुए? पंद्रह बीस मिनट हो गए। कोई डॉक्टर मिला आपको अभी तक? कोई नहीं मिला, यहाँ जी मिली। इनका क्या कहना है? ये तो कुछ नहीं दे रही। अच्छा, हड़ताल ही ना, सब लोग आ रहे हैं। यानी यहाँ आपको डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुआ? नहीं, कुछ बोला नहीं। आज जिला चिकित्सालय के सभी डॉक्टर्स यहाँ कार्य बंद करके आंदोलन कर रहे हैं। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मध्य प्रदेश चिकित्सक महासंघ के बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश के चिकित्सक हड़ताल पर हैं। उन्हीं इसी क्रम में जिला चिकित्सालय शिवपुर एवं शिवपुर ज़िले के सभी चिकित्सक भी हड़ताल पर हैं। पूर्व में हम लोगों ने हड़ताल की थी, जिसमें शासन से एक कमेटी निर्धारित बनाई गई थी। उस कमेटी में जो हमारी मांगों पर विचार किया गया और उस कमेटी में जो रिकमेंडेशंस थी उस पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में शासन द्वारा उस पर अमल नहीं किया गया, इस कारण हम लोगों को पुनः स्ट्राइक करना पड़ा। क्या रिकमेंडेशन थी आपकी और क्या मांगे थी? इस हमारी जो मांगे थी उसमें एक तो DACP डायनामिक अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, जिसमें निश्चित समय पर एक निश्चित वेतनमान सभी चिकित्सकों को प्रदान किया जाए, पहली हमारी प्रमुख मांग यह थी। दूसरी मांग ये थी हमारी कि जितने भी संविदा के जितने चिकित्सक हैं जो हैं उनको नियमित किया जाए और उनको पूर्ण वेतनमान दिया जाए। हमारी तीसरी मांग थी उसमें प्रशासनिक इंटरफेरेंस, जो चिकित्सा सेवाओं में प्रशासनिक बाधाएं जो डाली जाती हैं तो उसको जो है बिल्कुल ख़त्म किया जाए, और इसमें जो प्रशासनिक पदों पर, उच्च प्रशासनिक पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। फिर इसके अलावा हमारी जो अन्य सर्विस कंडीशंस थी, जिसमें जो है चिकित्सकों को सम्मान के साथ में जो है प्रगति के अवसर मिले, सम्मान के साथ उनमें सेवा करने का मौका मिले, तो ये सब चूँकि चिकित्सकों के साथ नहीं हो रहा, ये हमारे लड़ाई जो है पैसों को लेकर नहीं है। हमारी चिकित्सा का जगत में जो है चिकित्सकों के प्रति सम्मान और समान व्यवहार हो, इसको लेकर है। तो हम सभी ये चाहते हैं कि आम जनता को जो परेशानी है वो हमारी इसको मजबूरी को समझे और हमें इसमें सहयोग प्रदान करें। ये कार्यबंद आंदोलन कब तक जारी रहेगा आपका? ये जब तक हम लोगों का जो सम्मानजनक हमारी मांगे ढंग से हल नहीं की जाती हैं। यानी माना जाए कि अनिश्चितकाल के लिए आप लोग जो है ये आंदोलन जारी करेंगे।